नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल और सोनी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पृथ्वी धरती जल और आकाश में रहने वाले सभी प्राणियों की संपदा है, लेकिन इस दुनिया का कालचक्र स्वभाव से ही स्वार्थी और हिंसक है। सांप चंदन के पेड़ को भी अपना घर समझता है और चूहों के बिल पर भी कब्जा जमा लेता है, और कोयल चिड़ियों के घोंसले छीन लेती है, और शेर भेड़ियों की गुफाएं। लेकिन इंसान धरती का वो प्राणी है जो भाईचारे की बात तो करता है, लेकिन जब उसके अंदर का जानवर जागता है तो पूरी प्रकृति का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जुलाई 2016 को यह केस 12 वर्षीय अनंत की किडनैपिंग से शुरू हुआ था, लेकिन इस किडनैपिंग से पहले एक लड़की की हत्या को भी अंजाम दिया गया था। क्या उस हत्या का कनेक्शन इस किडनैपिंग से भी जुड़ा था? हटिए जरा पीछे। साहब, जब हमने इस लाश को देखा तो इसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर मैंने इसके ऊपर चादर डाल दिया। कौन है ये? कोई जानता है इसको? नहीं साहब। नहीं साहब, ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। पता नहीं कौन इसको यहाँ पे मार के फेंक के चला गया। वाग मारे सगड़े ना हटवाई तुम। ओके सर। कोमल चेक कर। बॉडी में मामूली खरोंच के अलावा कोई भी मेजर एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है। शायद इसके साथ रेप हुआ है। पाटिल, इसके बॉडी पर जो रेत चिपकी है यहाँ की मिट्टी से काफी अलग है। शायद इसे कहीं और जगह मारकर यहाँ डंप कर दिया गया हो। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के गांव में पूछताछ करो, शायद इसकी पहचान हो सके। सर। सर, मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना सर? छोटा सा है सर वो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपका बेटा अनंत जिस वीडियो पार्लर में गया था उसका नाम क्या है? A1 वीडियो पार्लर। और आपका घर कहाँ पे है? जी महात्री नगर। शिरके, वीडियो पार्लर से इनके घर तक के रास्ते में पता करो कहाँ कहाँ CCTV है। दुकानदारों से, लोगों से पूछताछ करो, शायद इस अनंत के बारे में कुछ पता चले। सर,
अनंत के साथ क्या होने वाला था ये राज अनंत की खोज के हर पड़ाव पर इस केस को और भी उलझाने वाला था। फिलहाल अनंत की तलाश शुरुआती दौर में थी और रत्नागिरी पुलिस उस तक पहुंचने के सिरे ढूंढ रही थी। वहीं जयगढ़ गांव की पुलिस उस अज्ञात लाश की पहचान में जुटी थी जिसका संबंध जल्द ही एक नामी शख्सियत से जुड़ने वाला था। साहब ये लड़की तो वल्लभ माने की छोटी बेटी जैसी दिखती है। वल्लभ माने? ये वल्लभ माने कौन है? साहब कृष्णा नदी के पास जो मावना गांव पड़ता है उसका सरपंच है वल्लभ माने। अरे पत्रकार साहब, प्रकृति का हनन तो सबसे ज्यादा शहरी लोग करते हैं और फिर साल में एक बार पर्यावरण दिवस बनाकर दिखावा करते हैं कि प्रकृति की कितनी चिंता है उनको। पर वल्लभ जी, आपने अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या किया? अभी आपके गांव की नदी देख लीजिए। ऐसा क्या विचारते हैं? बगा ना, तुम्हें जाऊन बगा ना का हे। वल्लभ माने की भूमिका इस केस में क्या एक पीड़ित लड़की के पिता की थी या फिर उस अज्ञात लाश और उसकी आपबीती से वल्लभ माने का कोई वास्ता ही नहीं था? पुलिस और वल्लभ माने की ये पहली मुलाकात इन्हीं सवालों से शुरू हुई और इसी बीच रत्नागिरी पुलिस को अनंत के किडनैपिंग से जुड़ी एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। सर, अनंत किडनैप हुआ है। वीडियो पार्लर से थोड़ा आगे एक सीसीटीवी कैमरे में किडनैपर्स कैप्चर हुए हैं। प्ले करो। ऑटो का नंबर छुपाने के लिए पर्पसली नंबर प्लेट पे कीचड़ डाला है। शिरके, जिस वक्त अनंत की किडनैपिंग हुई उस टाइम से आसपास के हर सिग्नल के सीसीटीवी चेक करो, शायद इन तक पहुंचने में कोई लीड मिले। ऑटो स्टैंड, सिग्नल, टोल नाका, कार पार्किंग, रेलवे पार्किंग, सब पे पूछताछ करो। पता करो इन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। ओके सर। अनंत को किडनैप करने वाले ये तीन चेहरे इस केस में तीन गुना से ज्यादा चेहरों की फेहरिस्त जोड़ने वाले थे, लेकिन अनंत की तलाश फिलहाल इन तीन चेहरों की पहचान पर निर्भर थी। वहीं वल्लभ माने को उस अज्ञात लाश की शिनाख्त के लिए शवगृह लाया गया। देखिए सर, पहले तो यह बताइए कि किस बेवकूफ ने आपको कहा कि ये मेरी बेटी थी? तो ये आपकी बेटी नहीं है। देखिए, फोटो देखते ही मैंने कह दिया था कि मेरी बेटी पूर्वा नहीं है। आपके कहने पर यहाँ चला आया और फिर भी आप 2 साल पहले मेरी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन पूर्वा अब कहाँ पर है? उसका फोन नंबर, पता कुछ तो मालूम होगा आपको? जब वो भागी थी तब उसका फोन बंद था। उसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, इसका मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये पूर्वा नहीं है? ये सब कितनी बार बोलूं ये पूर्वा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरी बड़ी बेटी से पूछ लीजिए। कहाँ पर है आपकी बड़ी बेटी? अपने ससुराल में। एकनाथ शिंदे की बहू है वो। नाम क्या है उसका? नैना प्रमोद शिंदे। बुलाइए उसे। हाँ बाबा। मैं इनको नहीं जानता हूँ। इन्होंने मेरे बेटे अनंत को क्यों किडनैप किया? आपको कोई रैंसम कॉल आया? नहीं। किसी पे कोई शक? मेरा मतलब कोई दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार जिसने आपके बेटे का किडनैप करवाया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नहीं सर, पूर्वा नहीं है। अगर ये पूर्वा नहीं है तो अब पूर्वा कहाँ पर है? आपके फादर ने कहा था कि वो उनके टच में नहीं है, शायद आप उनके टच में हो। नहीं सर, मैं पूर्वा के टच में नहीं थी।
गाड़ी साइड ला लो, बाहर जा। देखो नैना, ऐसा नहीं है कि पुरवा की मौत का दुख नहीं है, अगर तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूं। पर बाबा, ए बक, लेक्चर ना करो, जो कहा है ना उस बात पे कायम रहना बस। जिस लड़की की लाश जयगढ़ गांव के बाहर मिली थी वो पुरवा ही थी, लेकिन क्या वजह थी कि वल्लभ माने अपनी बेटी पुरवा को पहचान नहीं देना चाहता था, और उसकी बड़ी बहन नैना भी पुरवा को पहचानने से मना कर रही थी। क्या नैना और वल्लभ माने मजबूर थे या फिर कोई साजिश रच रहे थे, और क्या हुआ था पुरवा के साथ कि उसकी हत्या के बाद उसकी लाश आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई। नैना शिंदे, वल्लभ माने और मृत पुरवा, क्या इनका कनेक्शन अनंत की किडनैपिंग से भी था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सवाल बहुत जल्द उठने वाले थे। सर, वो तीनों किडनैपर्स अनंत की किडनैपिंग के दो दिन पहले से इसी लॉज में आके रुके थे, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने उनका आईडी नहीं लिया। सर, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो लोग यहीं कहीं किसी मंदिर में आए हुए थे। मैंने उनको तीन गद्दे देकर स्टोर रूम में सोने के लिए बोल दिया, बहुत मजबूर लग रहे थे इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। केस बनाया तुम्हारे खिलाफ? सॉरी सर, गलती हो गई। ये सीसीटीवी वर्किंग है? जी सर, यहाँ पर भी है, ऊपर भी लगा हुआ है सर, और बाहर साइड में भी है, और सारे वर्किंग में है सर। जिस दौरान वो रुके हुए थे तब से अब तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उनके। जी सर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आता नहीं समझना, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना कब बोलो भाव, ऐसा मत बोल। इन्होंने भी तो हिम्मत रखी है ना भाव, सब ठीक हो जाएगा, तू समय दे भाव, तू देखना हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी भाव। जूम करो, पॉज करना जरा। ये लड़की किडनैपर से बाहर मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की भी किडनैपिंग में शामिल हो? ये लड़की भी यहीं रुकी थी इनके साथ? नहीं सर। फिर के शायद ये लड़की भी अनंत की किडनैपिंग में शामिल हो, इसके बारे में पता करो। सर, सर जयगढ़ गांव के पास जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे वल्लभ माने के गांव या आसपास के गांव में किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन वल्लभ माने ने अपनी बेटी पूर्वा की फोटो हमें नहीं दिखाई, बोला 2 साल पहले उसने अपनी बेटी की सारी निशानियों को जला दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि वल्लभ माने और उसकी बड़ी बेटी नैना दोनों हमसे झूठ बोल रहे हैं? लेकिन वो लाश वल्लभ माने की बेटी पूर्वा की ही है, इसका कोई स्ट्रांग एविडेंस तो होना चाहिए। सिर्फ एक विटनेस के कहने से कि वो पूर्वा है, कोर्ट उसके डीएनए की परमिशन तो देगी नहीं। तुम एक काम करो, जब तक पूर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके कॉलेज से उसकी फोटो निकलवाने की कोशिश करो। सर, आपने तो कभी बाबा को गलत कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप भी बाबा की तरह सोचने लगोगी। नैना, अपने बाबा से मिलने गई थी? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? मना किया था ना मैंने, अपने बाबा से मिलने नहीं जाएगी तू, फिर क्यों गई? दोबारा अपने बाबा से मिलने गई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। वैसे भी जिंदा लाश की तरह ही तो जी रही हूं मैं। जिंदा लाश, अरे वाह, तुझे तो मुंबई में होना चाहिए, क्या एक्टिंग करती तू तो। बोल, जो डायलॉग बोलना है वो बोल, लेकिन एक्टिंग वही कर जो मैं सिखाऊं। कठपुतली और कर भी क्या सकती? तो औरत को ऐसा ही तो होना चाहिए, मर्द के हाथ की कठपुतली। हाँ?
भाभी मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपको इस नर्क से जरूर छुटकारा दिलाऊंगा आदित्य तुम वादे बिल्कुल नेताओं की तरह करते हो एक दिन एक बहुत बड़े नेता बनोगे सर अभी थोड़ी पहले किडनैपर का कॉल आया था हमें पता चला आपका फोन हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा था 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है आपसे अगर अनंत को सही सलामत चाहता है ना तो 15 लाख देना होगा हमने आपका फोन टैप भी किया था एक लड़की का फोन आया था आपको ये लड़की हमने किडनैपर्स के साथ देखी थी क्या आप जानते हैं इसे नहीं उस लड़की को नहीं जानते हाँ शिरके बोल सर जिस पीसीओ से अनंत के फादर को रैंसम कॉल आया था यहाँ उस लड़की और किडनैपर से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं मिला और आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है बल्लभ भाऊ हमारे गांव का कोई भी आदमी पूर्वा की पहचान गवाही नहीं देगा वो दूसरे गाँव का आदमी था तभी पुलिस आई यहाँ पे कौन था वो प्रकाश था तो प्रकाश को अभी के अभी उठा के इधर ले गया जा चलो कर 10 मिनट में ये सारे सम सॉल्व करने हैं आपको मिस 9 मिनट में जाएगा चलो लेट्स सी कॉफी थैंक्स आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है थैंक यू अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपने ग्रेजुएशन करने के बारे में क्या सोचा मेरा मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना लक्ष्मी मैंने बहुत सोचा लेकिन अब पढ़ाई की किताबें नहीं जिंदगी को पढ़ने की उम्र बाकी है लेकिन ज्यादा मुश्किल तो इंसानों को पढ़ना है सच कहूँ तो जब भी आपको देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर बहुत कुछ छिपा के बैठी हैं छिपते तो सिर्फ दर्द है ना खुशियाँ कहाँ छुप पाती है पता है लक्ष्मी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है नैना यहाँ आले आई मैं आती हूँ हाँ शिरके बोल सर पता चला है कि एक हॉस्पिटल के बाहर एक किडनैपर को देखा गया है जो अपना इलाज कराने वहां पर पहुंचा है उसी हॉस्पिटल के पास की बीट चौकी से कॉल आया था अभी ये तो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था बेहोश था मैं उसे अंदर लेके आया था और उसका इलाज चल रहा है कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं सर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है लेकिन वो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है हमने उसके प्राइमरी टेस्ट निकाले हैं डॉक्टर हम उससे मिल सकते हैं या सब हम गरीब लोग हैं सब लेकिन गुनाह तो किया ही है ना बच्चे की किडनैपिंग की है खुद किया या किसी के कहने पे किया सब वो एक 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 नाथ एकनाथ का नाम इस केस में उस टारगेट की तरह सामने आया जिस पर निशाना दागना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है लेकिन कहते हैं कि अंधेरे में चलाया गया तीर भी कभी कभी निशाने पर जा लगता है और पुलिस इसी संभावना को आजमाने के लिए अनंत की किडनैपिंग के केस में एकनाथ नाम के इस शख्स की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी उस किडनैपर ने किसी एकनाथ का नाम बताया था शायद उन किडनैपर्स ने एकनाथ के कहने पर ही आपके बेटे अनंत को किडनैप किया आप जानते हैं किसी एकनाथ को एकनाथ हाँ मैं जानता हूँ एकनाथ को लेकिन वो मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा कौन है वो एकनाथ एकनाथ शिंदे शिंदे कंस्ट्रक्शन का मालिक
अभी कुछ टाइम पहले उनकी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं उस फ्लैट की डील के दौरान लेन देन में कोई डिस्प्यूट या झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन डील थी। सर हो सकता है एकनाथ का अपनी पार्टी से और पैसा निकलवाने का कोई हथकंडा हो। शिरके जब तक एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार इस एकनाथ शिंदे से मिलके देखते हैं। कल इसी टाइम पे आ जाना, ठीक है? ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। तेरे बाबा वल्लभ का फोन आया था आज, तेरी बहुत फिकर कर रहे थे। तुम्ही तो तन्ना बोला था सलना बाबा कि अब मैं उनकी नहीं आपकी परेशानी हूँ। भाभी आप अपने आप को परेशानी क्यों बोल रही हैं, जबकि बाबा तो आपको इस घर की लक्ष्मी मानते हैं। बिल्कुल, बेटी और बहू हमारे घर की लक्ष्मी ही होती है। बाबा आपकी सोच आपके नाम से भी ऊंची। आज मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो आपके नाम का नया स्लोगन सुना, एक नाथ सबका नाथ। मैं हमेशा ये चाहता था कि दुनिया मुझे अपने बेटों के नाम से जाने, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने। लेकिन मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ आपका नाम साथ चलता है। बाबा ये दुनिया का इकलौता ऐसा बेटा होगा जिसे अपने ही बाप का नाम नहीं सुहाता है। अरे अपने काशी जीजा जी से कुछ सीख कि कैसे अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बाप बना लिया जाता है। वाह दादा, बहुत ज्यादा मुंहफट नहीं हो रहे आप? अपनी बहन के सामने ही अपने जीजा की टांग खींच रहे हो? नहीं नहीं श्रुति, क्या है ना मेरी सालियां नहीं है इसलिए बड़े साले साहब मेरे जूतों पे नजर रखते हैं। क्या बात है साहब, आप लोग यहाँ? ए बेटे, मेहमानों से आने की वजह नहीं पूछते। नमस्कार साहब, एकनाथ शिंदे। इंस्पेक्टर अजय के राणे। या आते। राजेश दीक्षित को जानते हैं आप? राजेश दीक्षित कौन है ये? आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया है उन्होंने। अरे सर, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने फ्लैट बुक किए, ये कौन से राजेश दीक्षित की आप बात कर रहे हो? वही राजेश दीक्षित जिसका बेटा आनंद दीक्षित किडनैप हो गया। उसका बेटा किडनैप हो गया? तो उन किडनैपर्स में से एक किडनैपर ने आपका नाम लिया है, एकनाथ। कहीं आप ही ने तो अनंत को किडनैप नहीं करवाया? क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब नहीं करते। लेकिन आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही एकनाथ को जानता है जो आप हैं। कार्गो में एक अजिंक्य राणे काम करते हैं, क्या आप जानते हैं उनको? वैसे ये दुनिया एकनाथ से भरी हुई है, हर दसवें आदमी का नाम एकनाथ है, तो आपने कैसे मान लिया कि वो एकनाथ मैं ही हूं? हमने माना नहीं, हमने सोचा आपसे मिलके जान जरूर लेते हैं। जान लिया ना, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं ये सब काम नहीं करता। आई होप कि ऐसा ही हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। नैना देख बेटा, मैंने तुझे जो सिखाया है बस वो याद रख, पूर्वा को भूल जा पर अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। बेटा नसीब में जो है सहल है, अपना भाग्य समझ के इतने बड़े खानदान की बहू है तू। यही तो दुर्भाग्य है बाबा, आप कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे? एक बात बता पुरोहित, ये राजेश दीक्षित के बेटे की किडनैपिंग का क्या चक्कर है? कौन राजेश दीक्षित बाबू? कैसी किडनैपिंग? ये सब मेरे नेटवर्क से बाहर है बाबू। पर नैना तो तेरे नेटवर्क में है ना, और जब शव ग्रह गई थी तो अपने बाबा के अलावा किसी और से भी मिली थी? नहीं बाबू, मेरे को कुछ मालूम नहीं बाबू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना ने जबान ना खोलने के लिए तेरी जेब गर्म करी? ये सब आप क्या बोल रहे हो बाबू? अभी तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ है तो जानते हैं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ।
आपको उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। किसकी बात कर रहे हो तो? आप जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अरे वाह, क्या बात है, वाह क्या बातें चल रही हैं देवर भाभी के बीच में। बाप का नाम नहीं सुहाता तुझे, बड़े भाई की बीवी सुहाती है। दादा अगर धंधा गंदा हो तो क्या सोच भी गंदी हो जाती है। अरे मैं तो जन्म से ही गंदा हूं। देख बिल्ली जब शेर के पिंजरे में हो ना तो कुत्तों को शेर नहीं बनना चाहिए। जिसके अंदर जानवर ही हो ना वो बीवी को बिल्ली और भाई को कुत्ता ही समझ सकता है। नस्ल तो हम दोनों की एक ही है, लेकिन एक बात याद रख, जर जमीन और चोरू के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। जवानी नहीं संभाल रही है ना तो जाके शादी कर ले, लेकिन जिसको मैं दर्द दे रहा हूं उसका हम दर्द मत बनियो। मेरे भाई पर डोरे डाल दिए, मैं पूरा नहीं पड़ता ना तेरे को, मैं बता दो रुका तेरे को। चल खाना का। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। बोला ना चुपचाप खाना का, अगर तू जिंदा है ना तभी तेरी कीमत है, समझा? चल खाना का। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। छोड़ ना भास्कर, नहीं जमेगा उसको अपना कांदा चपाती। तो वो अमीर लोग क्या खाते हैं, वो गोल गोल सारा भाजी उसके ऊपर, क्या कहते रहे उसको? पिज्जा। लेकिन मुझे पिज्जा नहीं खाना, मुझे हक्का नूडल चाहिए। ए, सर पे मत चढ़ समझा, इस हालत में तुझे खाना भी दे रहे ना उतना भी नसीब समझा। चल का। सर ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश हमें गांव के बाहर मिली। हत्या गला घोट कर की गई, लेकिन हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ। पाटिल अगर वो लड़की पूर्वा ही है तो क्या वल्लभ माने का अपनी बेटी के मर्डर और रेप से कोई कनेक्शन होगा? लेकिन सर इतना तो हो ही सकता है कि वो इस बारे में जानता हूं, लेकिन बदनामी के डर की वजह से उसको पहचानने से इनकार कर रहा हूं। सर जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसके बॉडी में कई जगह की नसें फट चुकी थी। नसें फट चुकी थी? हाँ सर, और उसके लंग्स भी डैमेज हो चुके थे। मैंने उसके केस के बारे में डॉक्टर से बात की सर, उनका कहना है कि हो सकता है वो आदमी लंबे समय से कोई ऐसा काम करता हो जहां पर सांस लेने में तकलीफ होती हो, या फिर उसको सांस रोक के काम करना पड़ता हो। ऐसा कौन सा काम करता होगा वो? देखो ना कितना खून बह रहा है, एक बार मालिक को फोन तो करो। मालिक क्या फालतू बैठा है क्या, इसको साइड में बैठा और तू तेरा काम कर चल। सर कहीं उसके काम का कनेक्शन एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से तो नहीं? पॉसिबल है शिंदे। यस साहब, आनंद का किडनैपिंग ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने बहुत कांड कर रखे हैं। कौन बोल रहा है? वो जाने दो साहब, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए, वहां महीनों से एक मुर्दा दफन है। क्या कह रहे हैं आप लोग, कोई भी आपको फोन करके कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब हम मर्डर हो जाएंगे? जाइए आप लोग और जो करना है ना कर लीजिए। जो करना है यही करेंगे, सर्च वारंट है इस जगह का हमारे पास। हाँ बोल भिड़े। सर यहाँ लफड़ा हो गया है, यहाँ साइड पे पुलिस आ गई है। देखिए सर हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ होगा और इस कंकाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है क्या नहीं वो हम पता कर लेंगे।
मेरे से नहीं खाए जा रहे केचुए। ए, हंसा क्यों भाई? हैं? केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे? बताऊं? बताऊं क्या? पहले अनंत के किडनैपिंग में एकनाथ का नाम आना और अब एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे कंकाल का मिलना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। लेकिन शिरके ये भी हो सकता है कि स्केलेटन की और अनंत की किडनैपिंग का कार्ड करने वाला कोई और ही हो जो एकनाथ को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये एकनाथ की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिस पीसीओ से मुझे कॉल आया था वहां पता करने की कोशिश करो, कॉल करने वाला कोई एकनाथ से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है। इससे पहले भी इस घर की चौखट पर पुलिस आई है लेकिन हर बार एकनाथ शिंदे को सलाम ठोक कर चली गई है। लेकिन पिछले दो बार वो साला वर्दी वाला यहीं आके आंख दिखा कर चला गया मेरे को। कौन है, कौन है जो उसको मेरी बदनामी की खुराक दे रहा है? मुझे मालूम है, मालूम है मुझे, ये काम घर में बैठे किसी विभीषण का ही है। रमाकांत भिड़े, सारा शहर तुझे एकनाथ शिंदे की वजह से जानता है। सब लोग जानते हैं कि तू एकनाथ शिंदे का राइट हैंड है। वो आज मेरे राइट हैंड को लकवा कैसे मार गया रे? कहां सोया था तू जो तेरे पिछवाड़े से पुलिस मुर्दा उखाड़ कर लेके गई और तुझे खबर तक नहीं हुई? आओ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है बात लीक कहां से हुई। तेरे कान तो कुत्ते से भी तेज है ना, लीक करने वाले की आहट तक नहीं सुनाई दी तुझे? चूक हो गई भाव। ये चूक कितनी महंगी पड़ सकती है पता है? लोग अपने वफादारों को कुत्ते की तरह पालते हैं लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अपने बेटों को नहीं मैंने भेड़ियों को जन्म दिया है। वो बड़ा वाला प्रमोद खुद को शेर समझता है, उसको अपने बिजनेस से दूर रखा क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। वो छोटा वाला आदित्य साला हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी, उसका ईमान, उसके असूल जहर है अपने धंधे के लिए। और उनका वो झंडू जीजा काशी राव, उसको इसलिए पाल रखा है क्योंकि मेरी बेटी श्रुति उसके प्यार में अंधी हो गई है। लेकिन मेरे धंधे के सीक्रेट्स सिर्फ तू जानता है, कोई तूने तो नहीं? क्या बात कर रहे हैं भाऊ, मैं अपना गला कटा सकता हूं लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। कल तक पता करके बता कौन गद्दारी किया मेरे साथ, चाहे वो सगा हो या सौतेला, तू सिर्फ नाम बता दे, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। जी भाऊ। तू तो प्रमोद दादा खबरी है ना, पुलिस का खबरी कब से बन गया? ये क्या बोल रहे हो भाऊ, भाऊ मैंने शिंदे परिवार का नमक खाया है। लेकिन प्रमोद, उसने तुझे मिठाई खिलाई होगी, क्यों बोल, पुलिस को फोन उसने किया था या तूने? आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही बाबा के बॉल पे छक्का मारा है? बकवास मत कर, इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर भी। नैना, कहीं तेरा बाप तो बदला नहीं ले रहा है हमसे? मेरा बाप इस घर की नींव बचाने के लिए रोज अपनी कब्र खोद रहा है। यही तो, अपनी कब्र खोदते खोदते झल्ला गया होगा और अब मेरे बाप की कब्र खोद रहा है। तुमने कौन सी नींव जोड़ी है उनकी, क्या पता कब्र ही खोद रहे हो? औरत है, औरत बनकर रहे। चुप।
चोरों की बस्ती में जब कोई शरीफ भी भागता है तो चोर ये सोचकर चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं लगी है। शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले स्केलेटन ने शिंदे परिवार के हर सदस्य को ऐसे ही चौंका दिया था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा पड़ रहा था, लेकिन किसकी गठरी में चोर था और किसकी दाढ़ी में तिनका, ये फिलहाल मुखौटे में था। लेकिन इन चेहरों में वो कौन था जिसका कनेक्शन अनंत की किडनैपिंग और पूर्वा की हत्या से भी जुड़ा था? क्या इस स्केलेटन का इन दोनों केसेस के साथ कोई कनेक्शन था भी, या फिर ये केस अपराधियों की छटनी में सामने आने वाला कोई छुपा हुआ अपराध था? सर, जो स्केलेटन शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें गड़ा मिला था, उसकी मौत करीब 6 महीने पहले सर पे हुए वार की वजह से हुई थी, और स्कल फ्रैक्चर भी है सर। लेकिन 6 महीने पहले किसका मर्डर हुआ होगा जिसका एकनाथ शिंदे फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि जिस लोकेशन के पीसीओ से आपको कॉल आया था, उस लोकेशन पर अक्सर एकनाथ की बेटी श्रुति और उसके पति काशीराव का फोन एक्टिव रहता है। तो हो सकता है सर श्रुति या काशीराव में से किसी ने आपको कॉल किया हो। और एक बात सर, ये श्रुति और काशीराव की ज्यादातर बातें रमाकांत भिड़े से होती हैं। ये रमाकांत भिड़े कौन है? एकनाथ का राइट हैंड, एकनाथ के सारे काम यही देखता है सर। और सर, जब हम शिंदे की फैमिली से मिलकर आए थे, उसके 2 घंटे बाद से श्रुति का फोन बंद है। अरे अरे भास्कर, बैठे आप, बैठे बैठे। भास्कर, इनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। ताई, हम बाबू को अस्पताल भी नहीं ले जा सकते, पकड़े जाएंगे हम लोग। ताई, अब दवाई वाले से दवाई ले आइए। मैं दवाई लेके आती है। माजा और पैसे खर्चनों को गिनती के ही पैसे बचे अपने पास। लेकिन आपको मरता भी तो नहीं देख सकते ना माँ। पैसे आएंगे हमारे पास, इसके बाप से आएंगे, और फिर ना उन पैसों से हम आपका अच्छा अस्पताल में इलाज कराएंगे भाऊ। लेकिन फिलहाल के लिए आप दवाई खा लो। ताई, दवाई ले आइए। ओहो, मैं दवाई लेके आती है, तू ध्यान रख इनका। मैं आती है। हेलो ताई, 300 रुपये। दादा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, इसमें से जो उल्टी रोकने वाली दवाई है वो ही दे दो। ये लीजिए, 50 रुपये। धन्यवाद दादा। क्यों, आपको मेरी बहन श्रुति से क्या काम है? आपकी बहन श्रुति है कहाँ पर? मेरे को नहीं पता सर। आज दोपहर से वो घर पर वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद है। लेकिन बात क्या है सर? और आप तो श्रुति के पति हैं, पता होगा आपकी बीवी कहाँ है। नहीं साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि श्रुति कहाँ है। सर, आपने बताया नहीं, आप श्रुति के बारे में जानना क्या चाहते हैं? आपकी बहन श्रुति जब भी घर आए या उसका फोन आए, उसे कहना हमसे जरूर मिले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉल हमको आया था वो श्रुति ने ही करवाया हो? हो सकता है श्रुति को अपने बाप से कोई प्रॉब्लम हो। पता करो श्रुति का फोन आखिरी बार कहां बंद हुआ था। सर, ये दवाई खा के ठीक हो जाओगे। ये दवा भी अब मुझे बचा नहीं पाएगी। मैं भी ओंकार की तरफ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कल तक हमको 15 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो तू जान से मार दूंगा। मैं जान से मार दूंगा। अरे सुन बात कर, रुक रुक। वो बच्चे को मार के क्या होगा? फुट मांगना है तो इसके बाप से पैसे मांगना। अरे पैसे आएंगे तभी तो बड़े अस्पताल में इनका इलाज करा पाएंगे ना। पानी, पानी। सर, जिस लोकेशन पर श्रुति का फोन बंद हुआ, मैंने पता किया उस एरिया में एकनाथ शिंदे का एक फार्म हाउस है। हो सकता है श्रुति एकनाथ शिंदे के फार्म हाउस में ही हो।
सर पूरा घर अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये तो श्रुति और भीड़े के फोटोग्राफ्स हैं, कहीं श्रुति के मर्डर से भीड़े का तो कोई लेना देना नहीं। शिरका हो सकता है, लेकिन पहले अनंत की किडनैपिंग, फिर शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर उस स्केलेटन का मिलना और अभी श्रुति के बॉडी का मिलना, इन सब का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है। क्या क्या श्रुति का मर्डर? लेकिन सर ये कैसे? भिड़े कहाँ है? भिड़े अपने घर पर का? भिड़े का क्या क्या? बोलती थी कि काशी के बिना जी नहीं सकती मैं, काशी को धोखा देकर मर गई वो। बाबा अब पता चला ये भीड़ है जो तुम्हारे पीठ पे चूरा घोप रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्केलेटन मिला है ना, देखना उसके मर्डर में भी भीड़े का ही हाथ होगा। भीड़े का एड्रेस दीजिए हमें। नहीं सर, सुबह से भीड़े को नहीं देखा मैंने। सर भीड़े का फोन भी बंद है। बोलो दामोदर। सर हमने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ की तो यह पता चला कि श्रुति के पति काशी को फार्म हाउस के बाहर देखा गया था। सर हो सकता है काशी को श्रुति और भीड़े के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसी ने श्रुति को मारा हो। ये एकनाथ के सभी फैमिली मेंबर्स के फोन लोकेशन चेक करो और इस काशी राव के बारे में भी पता करो। ओके सर। हेलो, अगर अनंत सही सलामत चाहिए तो कल तक पैसे दे दो, नहीं तो मार देंगे अनंत को। नहीं नहीं नहीं, अनंत को कुछ मत करना प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बात सुनो, मैं हेलो 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 क्या हुआ मेरे अनंत को? बोलो क्या हुआ? सर जिस पीसीओ से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाड़ी की है। शिरके ये भिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है, कहीं ऐसा तो नहीं अनंत की किडनैपिंग में ये भिड़े ही मास्टरमाइंड हो? लेकिन सर समझना ये भी होगा कि जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उससे जब आपने ये पूछा कि अनंत की किडनैपिंग किसने करवाई तो उसने एकनाथ का नाम क्यों लिया? एकनाथ? लेकिन उस किडनैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला, शिंदे नहीं बोला। हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आदमी या एकनाथ का सेक्रेटरी, या फिर यह भी हो सकता है वो एकनाथ नहीं एकनाथ से संबंध रखने वाले उसके किसी रिश्तेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनाथ के बेटी बेटा नौकर या फिर कोई भी। लेकिन फिलहाल हमारा शक भिड़े पर इसलिए है क्योंकि वो गायब है। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति के मर्डर का राज अनंत के किडनैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो? सर मैंने श्रुति के पति काशी राव का बैकग्राउंड चेक किया, वो एकनाथ के बिजनेस राइवल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। सर काशी के अलावा एकनाथ की फैमिली का कोई भी मेंबर उस फार्म हाउस पे नहीं था जहाँ पर श्रुति की लाश मिली थी। और हाँ एक और बात सर, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति की मौत गला घोटने से हुई है और उस दिन दोपहर 3 से 4 के बीच हत्या का वक्त है। और सर काशी का फोन भी उसी समय वहाँ पर एक्टिव था। शिरके लेके आओ उस काशी को। सर भाऊ हराम भाऊ भाऊ साहब मैंने श्रुति को नहीं मारा। तूने मारा या नहीं मारा ये तो हम तेरे से सच निकलवा ही लेंगे। राजेश दीक्षित के बेटे अनंत की किडनैपिंग में क्या एकनाथ शिंदे का हाथ है? मुझे नहीं पता साहब। कहीं ऐसा तो नहीं
अपने ससुर को फंसाने के लिए ही तूने अनंत की किडनैपिंग कराई हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात बता, श्रुति का भिड़े के साथ अफेयर था, ये बात तू पहले से जानता था? नहीं साहब। तो फिर एकनाथ शिंदे के जिस फार्म हाउस से हमें श्रुति की लाश मिली, तेरा फोन वहां एक्टिव था, कैसे? अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से निकलवाएं? साहब मैं फार्म हाउस पे गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि वहां पर एक मीटिंग है, इसलिए मैं गया था। साहब मैंने श्रुति को नहीं मारा। अब मेरा यकीन कीजिए, जब मैं वहां गया तो श्रुति मरी पड़ी थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, तू वहां पहुंचा, तूने अपनी बीवी श्रुति को भिड़े के साथ वहां देखा हो? साहब मुझे फंसाया जा रहा है मेरी बीवी के मर्डर केस में। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को भिड़े ने मारा या और किसी ने। साहब जब मैं वहां पहुंचा, अब मुझे लगता है कि एकनाथ ने ही अपनी बेटी को मरवाया है और अब मुझे फंसा रहा है। एकनाथ अपनी बेटी को क्यों मारेगा? सर क्योंकि श्रुति मुझसे प्यार करती थी, एकनाथ इस बात से बहुत चिढ़ता था। अगर तू इतना ही सच्चा है तो पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर क्यों गया था? साहब वो भी एकनाथ की वजह से गया था, उसने उस वक्त भी मुझे बलि का बकरा बनाया था। चल तेरी हम सब बात मान भी लें, एकनाथ शिंदे की जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमें स्केलेटन मिला, वो स्केलेटन किसका था? साहब मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना पहले लांजा टाउन का एक सरकारी सिविल इंजीनियर संदीप देशमुख, सब मुझे लगता है कि ये कंकाल उसी का है, क्योंकि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बड़ा पंगा था। आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को, पहले से बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया किस तरह को दूध पिला रहे थे आप। जान से मार दूंगा भिड़े को, देखना। तेरा भी लफड़ा था क्या भिड़े के साथ? बोल, बहुत खुजली है ना तेरे में, है ना? बहुत खुजली। दुराट, हटा चाकू। हर कोई तेरे जैसा कमीना नहीं होता, समझा? नारा, हटा। लग जाएगा, लग जाएगा। हटा, चाकू हटा। तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप? सर संदीप जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफी टाइम पहले गुजर गई थी, और सर बाद में संदीप जी भी लापता हो गए, और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। शिरके, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है? साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्ष्मी एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए कोई प्लान बना रही हो? अनंत की किडनैपिंग भी इसी ने कराई और श्रुति के मर्डर में भी इसी का हाथ हो? सर मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन ये सच है, मेरे बाबा को गायब करवाने में उस एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। सर मुझे उन पे शक था, इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी, उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में NOC देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है, मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करवाई थी, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, FIR की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है तो क्या गलत कर दिया? लक्ष्मी देशमुख के पिता संदीप देशमुख का मिसिंग केस 6 महीने पहले फाइल हुआ था और तब से संदीप देशमुख का गायब होना एक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का DNA लक्ष्मी देशमुख से मैच कराने का फैसला किया, लेकिन पुलिस उस बच्चे की किडनैपिंग को भी प्रायोरिटी देना चाहती थी जो अब तक किडनैपर्स की गिरफ्त में था, लेकिन उन तक पहुंचने की कोई लीड पुलिस को नहीं मिल रही थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।